दोस्तों, अब अस्पताल के बाहर अपना कार्ड बनाने के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनें, या अपने हेल्थ रिकॉर्ड की बड़ी बड़ी फाइलें, या किसी रिमोट एरिया से डॉक्टर को कंसल्ट करने की मुश्किलें, या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने पर दोबारा जाँच कराने की झंझटें, बीते दिनों की बात होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल नर्सिंग केयर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और इसमें हम सबको मिलने वाली है एक हेल्थ आईडी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हेल्थ आईडी से हम सबको क्या क्या फायदे होने वाले हैं और कैसे ये हेल्थ आईडी आने वाले समय में पूरे हेल्थ सेक्टर को बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस स्कीम का उद्देश्य पूरे हेल्थ सेक्टर को डिजिटलाइज करना है। दोस्तों, इस स्कीम में आपको 14 डिजिट की एक हेल्थ आईडी मिलेगी और उस आईडी में आपकी सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, जैसे कि आपने पहले कौन कौन सी दवाई खाई थी, आपको क्या क्या पहले बीमारी हुई थी, आपके सारे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और भी बहुत कुछ। इसके अलावा आपका सारा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, आपका टेलीमेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट गुम होने से या फिर दोबारा से जांच कराने से बिल्कुल आज़ादी। दोस्तों, इस स्कीम में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ आईडी और आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड, इन सबको इंटीग्रेट करके एक सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़ा जाएगा, यानी आपकी सारी हेल्थ कुंडली इस आईडी से जुड़ जाएगी। दोस्तों, आप अपनी हेल्थ आईडी से घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। आप जब हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह के लिए जाएंगे तो आपको कुछ भी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देगा वो आपकी इस हेल्थ आईडी में सेव हो जाएगा, और वहाँ से आप ई फार्मेसी का यूज़ करके ऑनलाइन मेडिसिन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फार्मासिस्ट से मेडिसिन खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये सब आप कर पाएंगे आपकी एक हेल्थ आईडी से। दोस्तों, जो लोग इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उसके लिए उस हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से इंटीग्रेट करना जरूरी होगा। दोस्तों, हेल्थ आईडी के फर्स्ट पेज में पहले डॉक्टर अपॉइंटमेंट और हेल्थ रिकॉर्ड को जोड़ा जाएगा, और फिर नेक्स्ट पेज में टेलीमेडिसिन यानी कि घर बैठे डॉक्टर से सलाह लेना, या हेल्थ इंश्योरेंस, या वैक्सीनेशन, या फिर ई फार्मेसी यानी कि घर बैठे मेडिसिन ऑर्डर करना। यानी इमेजिन कीजिए दोस्तों, आपने हेल्थ आईडी से डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक किया, आपने टेलीमेडिसिन से घर बैठे ही डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लिया, और आपने ई फार्मेसी से मेडिसिन ऑर्डर कर दी, तो आपको इतने सारे झंझट और हेक्टिक प्रोसेस से आज़ादी मिलने वाली है। दोस्तों, इस हेल्थ आईडी में आपकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसका सारा कंट्रोल आपके पास होगा। इवन डॉक्टर्स भी आपकी परमिशन से ही डाटा एक्सेस कर पाएंगे, यानी हेल्थ से रिलेटेड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसका कंट्रोल केवल आपके पास होगा। आप डिसाइड करेंगे कि आप किसके साथ कौन कौन सी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, केवल उस आदमी के पास केवल उसी चीज़ का एक्सेस होगा। दोस्तों, स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन करके अपनी हेल्थ आईडी खुद ही बना सकते हैं, और इस हेल्थ आईडी को कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के पार्ट टू में दूंगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये आईडी बिल्कुल आपके लिए वॉलंटरी है, जिसमें आप अपना आधार नंबर बिना दिए अपने मोबाइल नंबर से भी इस आईडी को बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।